वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे। आज ऑनर रिव्यू में हमारे साथ है जी आजम भाई। तो आजम भाई क्या हाल आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से? कैसे कमाल भाई, आप ठीक हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये 1993 की होंडा सिविक है जी, ईजी। सही। इसका जेनेरिक नेम जो है वो ईजी है, फेरियो भी इसे कहते हैं। और इसमें ये 1.5 लीटर है जी, D15B इंजन है इसके अंदर, विद वेरी गुड फ्यूल इकोनॉमी और अप्रॉक्सीमेटली 12-13 किलोमीटर पर लीटर इसकी विद इन द सिटी एवरेज है विद एसी। कमाल भाई बेसिकली आई हैव अ ग्रेट पैशन फॉर ओल्ड स्कूल कार्स। मुझे कोई नई गाड़ी में कुछ इस तरह की अट्रैक्शन फील नहीं होती, लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि यार फलां मॉडल की फलां गाड़ी उस बंदे के पास संभाली हुई है, 25 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, तो फिर मेरे अंदर एक अर्ज पैदा हो जाती है कि मैं देखूँ जरूर कि उसने कैसा रखा हुआ उसको। तो आई हैव अ ग्रेट पैशन फॉर ओल्ड स्कूल कार्स। तो मुझे मेरा भी ये जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो आई हैड अ क्रश फॉर दिस मॉडल, स्पेशली ये जो जैपनीज गाड़ी आई थी ना तब। तो मुझे ये कार ऑफ द ईयर हुई थी जापान में 1993 में, तो तब से मुझे इस गाड़ी का शौक था। और इट्स माई डेली ड्रिवन कार एंड आई लव दिस व्हीकल वेरी मच। और ये जो है ओवर द स्पैन ऑफ 2 ईयर्स मैंने इसको रिस्टोर की है। इसमें एक एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इसका ओरिजिनल पार्ट है, इसका क्लस्टर, ये JDM है, इसके डोर कार्ड्स, इसके स्टेयरिंग व्हील जो है इट वॉज हाइड्रोलिक और अब हमने इसको मैंने इसको अब EPS कर दिए हुए जी, इलेक्ट्रॉनिक कर दिए। और इसके अलावा इसमें ट्रंक के ऊपर रियल डक्टाइल स्पॉइलर है, दैट इज़ अ वेरी रेयर आइटम। फ्रंट बम्पर के ऊपर ABS प्लास्टिक में जेन्युइन इसका एक्सटेंडर है। फॉग लैंप्स हैं गाड़ी के लिए, रात को एक इलेक्ट्रिक पार्किंग पोल है आगे लेफ्ट साइड पे, स्मोक हेडलाइट्स हैं, टीम स्पार्को के अलॉय व्हील्स हैं, योकोहामा ब्लू अर्थ के ब्रांड न्यू टायर्स हैं, सस्पेंशन सारा रीडू की है, फ्रंट और रियर ऑल द आर्म्स आर कम्प्लीटली चेंज्ड। इसके अलावा शॉक्स ब्रांड न्यू, माउंट्स ब्रांड न्यू और सारा ओरिजिनल सामान। तो दिस इज वार वन ऑफ माई ड्रीम कार्स टू ओन दिस सिविक। और यही वही मॉडल था जिसके आने के बाद पाकिस्तान में सिविक ने धूम मचा दी थी, अन्नी मचा दी थी। और ये 94 के बाद जब पाकिस्तान में होंडा एटलस ने प्रोड्यूस किया, तो उससे पहले ये गाड़ी पाकिस्तान में आई थी, तो ये 93 में कार ऑफ द ईयर भी हुई थी जापान में। सही। तो तब से ये मेरा क्रश था। तो अल्लाह के फजल से सर आई एम रियली हैप्पी विद दिस व्हीकल। और ये एक हेड टर्नर कार है, मैं इस पे मोटरवे पे भी ट्रैवल करता हूँ। वेरी गुड सर, आई लव इट्स कम्फर्ट, क्योंकि कमाल है सर इसकी रोड ड्राइव, इसकी ग्रिप, गाड़ी का कंफर्ट, गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क। जबरदस्त। और मजा आ जाता कमाल भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे अक्सर लोग पैरेलल गुजरते हुए कभी प्राडो पे कभी सोनाटा पे जब आपको थम्स अप का मार्क करके आगे निकल जाते हैं ना, तो आपको यू फील सम डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। एग्जैक्टली। ठीक है जी कि यार नहीं कुछ है वाकई ना, तो वो अब एक इसकी एक अलहदा ही एक खुशी होती है कि नहीं यार किसी को पता है कि वाकई गाड़ी किसी ने रखी हुई है। बाजी तो, गाड़ी अब हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज ओरिजिनल, मड फ्लैप्स ओरिजिनल, छोटे से छोटा रबड़ भी ओरिजिनल। सर मेरे मुझे होता है कि नहीं मैं ना थोड़ा माइंड है परफेक्शनिस्ट टाइप, अगर कोई एक भी चीज मिसिंग है ना तो मुझे वो चीज पिंच करती रहती है, ये चीज कम क्यों है। तो आई ट्राई माय लेवल, बस नहीं यार गाड़ी हो तो मजा आ जाए। बिल्कुल ऐसे वो आप भी शौकीन है तो इसीलिए फिर आज आपसे मुलाकात का टाइम रखा। थैंक यू वेरी मच सर, ड्राइव भी दे इस गाड़ी की। सर, आप गाड़ी में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसको ड्राइव भी कर रहे हैं, जबरदस्त। और आपके व्लॉग्स हम देखते रहते हैं। थैंक यू। कमाल ब्रीफ करते हैं गाड़ी की लुक्स को, गाड़ी के फीचर्स को, और आप मार्केट के लिहाज से आप अपना फीडबैक भी देते हैं कौन सी चीज किस तरह है लेनी चाहिए। तो वी रियली अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू सो वेरी मच। और अल्लाह ताला आपको इसमें मजीद कामयाबियां दे, आपको सक्सेस दे। आमीन। आप भाई हमारे, तो आई एम रियली ग्रेटफुल आपने आज टाइम दिया सर, आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। और अब हम इस गाड़ी को आउटर भी दिखाते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत है, ताकि व्यूअर्स को पता चले कि यार ये ऐसी गाड़ियां आज भी रीस्टोर होके इस कंडीशन की हैं कि मेरा ख्याल है कि ये 18-19 मॉडल को कंपीट करे जितनी हाल आपने ये तैयार की है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। कोई आवाज नहीं है, कोई गाड़ी में किसी किस्म का खड़का नहीं है, कोई रैटलिंग साउंड नहीं है, AC परफेक्ट, ड्राइव परफेक्ट। आई एम रियली हैप्पी विद द व्हीकल सर। कुछ अरसा पहले ये एक हमारे करीबी अजीज है, एक आंटी, उनके पास ही गाड़ी थी। अच्छा। तो
देर से उनके पास थी, तकरीबन 15-20 साल से उनके पास थी। तो फिर ये खड़ी रहती थी गाड़ी उनके घर पे, तो फिर ये गाड़ी मैंने इसको अपने मिजाज के मुताबिक इसको प्रॉपरली रिस्टोर किया। एक एक इसका इलेक्ट्रिकल गैजेट वर्किंग है, इसका सनरूफ, इसकी रूफ लाइनिंग, इसका कारपेट, इसके डोर कार्ड्स, दे आर एक्सेप्शनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन। और इसमें जी इसमें ये बताएं कि इसका जो इंजन है वो इसका ओरिजिनल है या आपने उसको रिप्लेस किया? नहीं, ओवर द स्पैन ऑफ 31 इयर्स, आपको मैं आपको बताऊं इस गाड़ी की उम्र 31 साल है। ठीक है जी, मुझे इसमें जो इंजन आया था वो 1.2 लीटर था कार्बोरेटर, तो लेटर ऑन में जो इसकी बेटर फ्यूल इकोनॉमी चाहिए थी तो मैंने इसको फिर स्वैप किया था 1.5 लीटर D15B से, बिकॉज आई वांट अ डेली ड्रिवन कार, तो मुझे फ्यूल इकोनॉमी चाहिए थी। उस फ्यूल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए मैंने फिर जो है इसमें फिर ये EFI फ्यूल इंजेक्शन इंजन डाला था। मैं मोटरवे पे भी इसको 150, 160, 140 जब दिल किया, वैसे तो मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रूल्स को फॉलो करूँ, लेकिन कभी कभी जरा दिल करता है तो थोड़ा खींच भी लेते हैं। ये जो मशीन है वो किसका नहीं दिल करना फिर? कमाल भाई, ये 1993 की सिविक है, ईजी। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन होपफुली इन पंजाब, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है ईच एंड एवरीथिंग विद इट्स ओरिजिनल पार्ट। गाड़ी में फ्रंट एक्सटेंडर बम्पर है और ये ओरिजिनल ABS प्लास्टिक के साथ है। फॉग लाइट्स काफ़ी रेयर हैं, हेडलाइट स्मोक्ड हैं, टीम स्पार्को के ओरिजिनल जापानीज रिम है। इसकी बैजिंग आपको नज़र आएगी, वो मेड इन जापान, ओरिजिनल जापानीज रिम है। योकोहामा ब्लू अर्थ के ब्रांड न्यू टायर्स हैं इस गाड़ी में, ठीक है जी। और ये जो इसके नीचे वाले स्कर्ट्स हैं, ये हमने 2000 मॉडल की सिविक के इसको इंस्टॉल किए हुए हैं व्यूगन की किट के साथ, ठीक है जी। पीछे डॉक और VTEC की ओरिजिनल फेरियो की बैजिंग है जी। रियर डोर पे, रियर बम्पर में JDM लाइट्स हैं। यार जबरदस्त गाड़ी तैयार की है आदम भाई, कसम से माशाल्लाह। रियर बम्पर में JDM लाइट्स हैं जी। और सबसे मेन चीज जो है कि व्यूअर्स आप ये देखें कि आपको ये कहीं से कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं नजर आनी है। सर अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल, सर चेक करें सारा। और ये गाड़ी इसकी हबे भी देख सकते हैं, 31 साल बाद पहली दफा 55 डिग्री सेल्सियस पे पौना घंटा ये बूथ में बेक हुई है। और इस गाड़ी के ऊपर ये सारा ओरिजिनल सामान है, ओरिजिनल लोगोज हैं, जेन्युइन लाइट्स हैं, ठीक है जी। और HKS का एग्जॉस्ट है जी इसका। और ये जो स्पॉइलर आप ऊपर ट्रंक पे देख रहे हैं ये वेरी रेयर है, आपको शायद ही लाहौर में किसी गाड़ी में नज़र आए। ये डक्टाइल स्पॉइलर है जी इसका, जेन्युइन। और इसमें जो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर रियर एंटीना आप देख रहे हैं, ये FM कैलिब्रेटेड है। जब आप FM यूज़ करेंगे तो ये इस तरह बाहर आता है, फिर अदरवाइज USB ऑक्स पे CD पे ये ऑफ हो जाता है जी, ठीक है जी। बाकी इसके साथ ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स लगे हुए हैं जी साइड मिरर्स पे। वाह, ठीक है जी। जी अभी बस आपको मैं ज़रा इसका रूम भी दिखाऊं, इंटीरियर देखें, गाड़ी के डोर कार्ड्स देखें। अल्हम्दुलिल्लाह इस कैलिबर के डोर कार्ड्स, इस इतना नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड फॉर 1993 कार, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। वेरी रेयर यू विल कम अक्रॉस विद सच अ नाइस कंडीशन कार। गाड़ी के कारपेट की गफनेस आप देखें, ये कमाल भाई कारपेट देखें, कारपेट ओरिजिनल और सारा आज तक सिर्फ ये जेन्युइन कारपेट है, कहीं से ख़राब नहीं है। सीटें हाफ लेदर हैं, हाफ लेदर सीट्स हैं जी। आजम भाई इसका इंजन भी दिखाएं जी। जी जी, फ्रंट के ऊपर पार्किंग पोल है जी, रात को ये गाड़ी का इंजन भी है जी। तो यार जबरदस्त है जी, ये सारे शौक आपने खुद पूरे किए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, खुद पूरे किए हैं जी। वो भी बस देखे यार माशाल्लाह जी, कोई कसर ही नहीं छोड़ी आपने जी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट के कोई इसमें काम रहे ना जी। माशाल्लाह व्यूअर्स, क्या आपने इस पे लगाना है और क्या इसका कलर देखे कितना यूनिक, और कोई लफ्ज़ नहीं मैं बयां कर पा रहा इस कार के लिए कि एक लंबी मुद्दत के बाद मैंने अपनी लाइफ में अब आकर इस तरह की कार देखी, और वो भी अपने इस प्यारे भाई के पास जिन्होंने
अच्छी खासी इस पर मेहनत की है, अपना टाइम किल किया है और उसके बाद उन्होंने फाइनली इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि उन्होंने इस तरह की ज़बरदस्त मशीन तैयार की है, जो मैं भी अब गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीवर्स आपको, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद मिल जाए, लेकिन लाहौर में तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक भी यूनिट आपको इस कैटेगरी का इस कलर यूनिक के साथ नहीं मिलना। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।